उदयपुर से 52 किलोमीटर दूर है मेहतागढ़ मैनार। ये वही मैनार है जिसने कभी मेवाड़ पर आई मुसीबत को अपनी छाती पर ले लिया और मुगलिया सल्तनत को तहस नहस कर दिया था। तत्कालिक मेवाड़ के महाराणा ने खुश होकर इस विजय पर लाल जाजम, रणबंका ढोल, लाल पाग और 17वीं उमराव की उपाधि से अलंकृत किया इस गांव को। तभी से मनाया जाता है चमरा बीच पर यहाँ सौर्य का ऐसा उत्सव जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। यहाँ के लोगों का पेशा और पैशन दोनों है खाना बनाना, यानी कि कुकिंग। इस कला की खुशबू 7 समुंदर पार तक फैली है। तो आइए चलते हैं बर्ड विलेज मैनार और जानते हैं लोगों से कि उनके हाथों में ऐसा क्या जादू है कि सबको मुरीद कर देता है। श्रीमद् एकलिंगो विजयते, नमस्कार, प्रणाम, जय मेवाड़। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। मैनार गांव कुक को लेकर मशहूर क्यों हुआ, उस बारे में बाबू जी हमारे को अधिक जानकारी बताएंगे। क्या बोल रही इसके पीछे? इसमें सबसे अहम बात यह थी साहब कि सबसे पहले हमारे यहाँ से एक चुनीदाल जी जोशी करके वो बॉम्बे गए थे जी, जी। और एक किशन लाल जी सेठ जी के नाम से है और उनका खुद का लॉज है कांदीवली में। तो हमारे यहाँ से जो भी कुक के लिए जाने वाले थे बॉम्बे जा करके कहाँ रुके, तो एक स्थान उनको फिक्स था। और उसके बाद में वो चाहे अंबानी जी के यहाँ जा रहे हैं या किसी मतलब बॉलीवुड के यहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जाते ही डायरेक्ट किसी आदमी को वो नहीं रखते हैं। तो ये सबसे अहम बात थी कि इन दोनों की वजह से पहचान थी सामने वाला कि भाई ये इनका ये है। तो उस वजह से हमारे जो है आज दिन तक जो बंदे गए और जो कुक में फेमस हुए हैं वो उनकी वजह से, मेन इन दोनों की वजह से। कितने साल पुरानी बात है ये? तो साहब हो गए कम से कम 70 साल। तो अभी हमारे साथ में पूरे इस मैनार गांव की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के जानकारी के बारे में और यहाँ किस किस बड़े बड़े घरानों में लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो हमारे साथ में द उदयपुर अपडेट्स के सीनियर साथी हमारे सुरेश जी मैनारिया जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे। सुरेश जी आपका स्वागत है। मैनार की जो स्थापना हुई थी वो आज से 600 वर्ष पूर्व यहाँ पे स्थापना हुई थी। तब ये माता जी की जोत यहाँ पे ले आओ, ये जोत बहुत पुरानी है, अखंड जोत है, इसे अखंड जोत के नाम से जानते। यहाँ की जो जोत है वो अम्बा जी से लाए, अम्बा जी से लाए हुए पुराने समझ में। और कितनी आबादी होगी मैनार की? तकरीबन आबादी 7,500 के समथिंग आबादी है मैनार की आज के समय में। सबसे पहली बात तो ये है कि मैनार में जैसे कुकिंग के मामले में बहुत अच्छे अच्छे कुकिंग यहाँ वाले यहाँ है, जो अपने टाटा ग्रुप में, अडानी ग्रुप में और अम्बा ये आनंद महिंद्रा, हाँ आनंद महिंद्रा ग्रुप में और अमिताभ बच्चन जो बड़े बड़े स्टार है उनके यहाँ पे भी काम करते हैं और कर रहे हैं। और अभी वैसे कोरोना के हिसाब से अभी यहाँ आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं और विदेशों में भी बहुत से लोग जो हैं अभी कार्यरत हैं, जिसमें दुबई, मस्कत, अमेरिका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया उस जगह भी है, तो वहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ सेठ के यहाँ, उनका बहुत सहयोग रहा है यहाँ पे गाँव में और मैं उनकी बदौलत से मैं यहाँ पे गाँव में कुछ पैसा कमा के भी लेके आया, मकान बनाया, घर गृहस्थी में कुछ आगे बढ़ा। अपने जो मैनार में एक ऐतिहासिक कार्य होता है जो जमरा बीच का होता है, जबरी गेर, जो तलवारों और लकड़ी से जबरी गेर खेलते हैं, उस दिन एक अलग ही माहौल रहता है पूरे गांव का। क्या माहौल रहता है उस दिन पूरा? जैसे पहले जब मुगल सेना ने आक्रमण किया था अपने मेवाड़ पे, तब
राणा ने बोला था कि भी इस जो मुगल सेना आक्रमण कर रही है उसको रोकना होगा, तो इसका बीड़ा सबसे पहले मीनार वासियों को दिया, तो मीनार वासियों ने सब उस बीड़े को जला था और पूरी जो मुगल सेना थी उस सेना को मार गिराया था। और मारने के बाद तब से महाराणा जो थे उस समय लाल जाजम रणबंगा ढोल और सत्रहवीं उमरा पदवी दी थी मीनार को, तब से मार्च में होली के तीसरे दिन यहाँ पे जमरा बीज मनाया जाता है और ये शौर्य के रूप में मनाते हैं और वीरता का एक प्रतीक है, उसके अनुसार ही ये बनाते हैं। और उस दिन जो पूरा गांव का जो माहौल होता है वो एक युद्ध सा माहौल होता है, चारों तरफ लोग धोती कुर्ता, सफ़ेद धोती कुर्ता, सर पे कशुमल पगड़ी, लोग जो होते हैं वो शाम को गांव में इकट्ठे मेन जो मुख्य ओकारेश्वर चौराहे है वहाँ पे एकत्रित होते हैं, वहाँ पे 9 बजे के बाद आयोजन शुरू होता है, उसमें पटाखों की आतिशबाजी शुरू हो जाती है, तो उसमें मेन जो होता है वो बंदूकों की फायरिंग होती है। जिस समय मीनार में जैसे जो 5 हाँ होती है, 5 ही हाँ, हाँ का मतलब अलग अलग टुकड़ी, 5 टुकड़ियां जो होती है वो 5ों टुकड़ियां अलग अलग ये मसाल लेके फिर आते हैं अलग अलग जगह से, हाँ 5 जगह से आती है और 5 जगह से वो मसाल लेके आते हैं। और रात को 11 बजने के बाद फिर एक जो पहरेदार होता है वो इशारा करता है, तब सब 5ों टुकड़े एक साथ दौड़ती है बीच में, बीच में दौड़ने के बाद फिर फायरिंग होती, सब ऊपर फायरिंग करते हैं आसमान में। डोलसल कंपनी, डोलसल लिमिटेड कंपनी, इसमें खाना बनाता हूँ 80 से 84 तक 4 साल में। मतलब इडली सांभर है, डोसा है, मतलब वो ये समोसा कचौरी ये सब कुछ आता है। यहाँ के जो फेमस कुक हैं, पूरा एक गांव वैसे कुकों का गांव ही है, यहाँ जितने सारे लोग हैं कभी 80% लोग यहाँ बाहर रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और फॉरेन में भी रहते हैं, और इनका जो काम है इनके हाथों में जादू है। क्या नाम है सर आपका? राजू नाम है मेरा। जी जी, कहाँ कहाँ सर? मीनार में रहता हूँ। नहीं, आप कहाँ कहाँ से रिटर्न है? यूरोप से। यूरोप से है? वहाँ क्या था? कुक का काम था। क्या रसोई बनाते? किस कंपनी में? कंपनी में नहीं था, ट्रस्ट में था। अच्छा, राधा कृष्ण मंदिर था यूरोप में। यूरोप में तो वहाँ हमारा खुद का ही था कारोबार, प्रेसिडेंट के ऊपर था जी। तो लगभग 12-13 साल हमने वहाँ निकाले थे। तो आपका क्या काम रहता था? हमारा कुक का ही काम रहता था। पूरा एक टीम बनी हुई? हाँ, पूरा स्टाफ था 7-8 जन का। वो कहाँ के थे लोग? वो 2-3 जन तो पंजाब के थे, 3 जन हम राजस्थान के थे। तो ऐसा कभी वहाँ फरमाइश हुई कि मेवाड़ की कोई डिश बना के? हाँ, मेवाड़ के भी मांगते थे। मेवाड़ में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते? दाल और बाटी। दाल बाटी, चूरमा, मक्की की रोटी। तो कितने साल हो गए सर आपके? लगभग नौकरी करते करते तो 23 साल हो गए। 23 साल अभी रिटायर हो गए, लगभग 10-11 साल से यही खेती करता हूँ। मैं लंदन में रहता हूँ 12 साल से उधर ही। क्या काम? मेरा एक कुकिंग का काम है और फैमिली के साथ में। अच्छा, उधर कुकिंग का काम है 12 साल। पहले 8 साल मुंबई में रहा, फिर वो लिस्ट सेट लोग के साथ में लंदन गया, तो वहाँ पर मेरा 12 साल हो गए। और वहाँ फैमिली है वो किस फैमिली? गुजराती फैमिली है। अच्छा। जैन फैमिली है और उनका कपड़े का बिजनेस है उधर ही। Oh, oh, oh.
नाम प्रभु है सर। पहले 10 साल दुबई में काम किया, अभी मैं ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में टूरिज्म में काम करता हूँ, सिंगापुर मलेशिया वगैरह। मेरा कंपनी हॉलमार्क टूर एंड ट्रैवल्स है सूरत का। सब लोगों जो टूरिज्म में अगर खाना अच्छा बनेगा तो मोस्टली लोग तारीफ करते ही हैं, मेन खाने के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और खाना अगर बंदा अगर हंस के खाना बनाएगा तो वो खाना सही बनेगा, और बाकी खाना मुश्किल है बनना। मोस्टली मेरे पास एनआरआई ग्रुप ज़्यादा आते हैं तो लोग पूछते ही हमारे, तो फिर मैनार का नाम ही बता दे, वही हमारा गाँव है उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले कुकिंग लेन में घुसे थे, बाकी घूमे तो बहुत हैं। फिर 10 साल हिना टूर एंड ट्रैवल्स में काम किया है, पूरा साउथ मेरे अंडर में था 10 साल, फिर वो छोड़ के फिर वापस में दुबई चला गया। मेरा हॉस्पिटल है सिद्धपुर में, किस नाम से? यस हॉस्पिटल के नाम से। और तो अभी आप मीनार देखने के लिए? मीनार देखने के लिए आया था, ये मेरे दोस्त हैं तो इनके हिसाब से मैं आया था कि घूम के आते हैं, बस यही। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। और ये आप जो देख रहे हो, ये सब तारीफ हो रही है, तो ये देख के तो मेरा एकदम से मन खुश हो गया। नहीं सर, बहुत इस गांव में इतनी विशेषताएं अपनाए हैं और इतनी विशेषता में आगे मिली है। यूँ देखा जाए तो गांव के लोग बड़े अच्छे हैं, और यहां के कार्यकलापों में भी मतलब जो है विशेष लोगों की रुचि रहती है। और हमारे गाँव में जो मंदिर वगैरह या महादेव जी का माता जी का मंदिर है, उससे भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। बाहर के लोग भी यहाँ बहुत जो है दर्शन के खातिर यहाँ आते हैं। और 70 साल पहले की बात है, यहाँ से खेतियर थे, सब काम खेती वाले खेती करते थे, और उस समय परंपरागत खेती होती थी अधिकतर। उस समय अपने न तो ट्रैक्टर थे, न कोई अपने अन्य ये यंत्र थे, बैलों से ही खेती का काम करते थे। अकाल भी पड़ता था, पैसों की तंगी रहती थी, लोग कुछ काम धंधे के लिए भी यहाँ से बाहर गए थे। और बाहर जाने के बाद वो कुछ रेलों से गए, उस समय बसें इतनी नहीं थी, वहाँ जाकर के बॉम्बे गए, गुजरात गए, गुजरात में भी हमारे यहाँ के बहुत से रहे वहाँ पर, और जीवन पर्यंत उन्होंने वहाँ पर सेवाएं दी सेठ लोगों के। गुजरात से फिर बॉम्बे शिफ्ट हुए, बहुत से सेठ थे उनके साथ, वो भी बॉम्बे चले गए, उससे फिर विदेशों में से संपर्क बढ़ गया, और विदेश में दुबई और दूसरे इंग्लैंड है, दूसरे विदेश में कई अमेरिका है, कई जगह चले। अब तो बहुत से अमेरिका में हमारे यहाँ के रह रहे हैं, वहीं के वो नागरिकता भी ले लिए, लंदन में भी नागरिकता। कितने जने सर नागरिकता लेने? लगभग यहाँ पास के गाँव 5-6 जने है वहाँ की नागरिकता लिए, और लंदन में भी है वहाँ की नागरिकता ले रखी है। जैसे इन्होंने ये पास में नारायण लाल जी है, इन्होंने वहीं की नागरिकता है इनके। अच्छा, आपके पास वहीं का सारे डॉक्यूमेंट वगैरह? 5-6 आईडी है। अच्छा, अभी है तो यहाँ के सर ये भोजन बनाने में इनका स्वाद का तो एक बेजोड़ ही हिसाब। यहाँ के मोदी जी जब भी बाहर गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने गुजराती कुक को ही बुलाया और उन्होंने पसंद किया, क्योंकि वो वेज जो कुक है, अधिकतर यहाँ के सबसे बड़ी विशेषता है वेज कुक है, वेज ही है सब। तो वेज कुक में जहाँ भी गए मोदी जी, उन्होंने गुजराती के संपर्क कराया, और गुजराती खाना बनाने में यहाँ के लोग माहिर हैं। और करजली, पास के गांव के करजली और कलवल के दोनों ही, ये एक बार जर्मनी या जापान किसमें चाइना, और दूसरे कहीं भी गए, 2-4 बार ऐसा मौका आया है कि हमारे समाज के लोगों ने मोदी जी को खाना खिलाया, जो ही खाने का जो ही वो स्वाद लेते हैं, कहते हैं कि ये तो मारवाड़ी का भोजन बनाया हुआ है, उनके स्वाद से मालूम पड़ जाता है। तो इसका आप जो कह रहे हैं, वास्तव में टेस्ट है इनमें, और बनाने की एक कला भी है, और ऐसी बेजोड़ कला है इनके पास। ये जो अब जो युवा आ रहे हैं, उस कला को, उस विरासत को निभा रहे हैं, या फिर दूसरे व्यवसाय कर रहे हैं? इसके बाद कुछ निभा भी रहे हैं, कुछ दूसरे और पढ़ाई लिखाई में आगे भी जा रहे हैं, और कुछ इसमें भी चल रहे हैं, दोनों ही कामों में है, कुछ इसमें भी कुक में भी चल रहे हैं। और कुक में अब तो चाइनीज में दूसरे खाने भी बन गए, गुजराती के साथ में चाइनीज है, साउथ है, ये सब खाने भी बनाने लग गए हमारे यहाँ के, बहुत अच्छे इसमें पारंगत और माहिर हैं। लॉकडाउन में
ऐसा भी हुआ क्या कि जैसे कोई बंदा बड़ा कुक है और वो यहाँ आके छोटा मोटा लॉकडाउन की वजह से बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसने, ऐसा कुछ? यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना खुद का भी व्यवसाय, क्योंकि उन्होंने देखा कि लॉकडाउन की वजह से अब वापस बाहर तो नहीं जा पाएंगे, यहाँ आने के बाद एक पास में ही है पूर्णा शंकर पांचा, तो उन्होंने अपना खुद का ही जूस का सेंटर चालू कर दिया, एलोवेरा कई प्रकार के जूस वो बनाते हैं, नीम किलो के कारण जूस यही पास में ही है वो बनाते हैं, उसी प्रकार और दूसरे भी है खेती बाड़ी का काम, अलग प्रकार की खेती भी शुरू कर दी किसी ने, वो अलग ये साग सब्जी और दूसरी और भी जैसे रेस्टोरेंट लगा दिया किसी ने, ऐसे भी है कर रहे हैं वो काम, लॉकडाउन की वजह से दूसरे धंधों में आ गए। तो आप कुछ आपका कुकिंग के मामले में ये है कि मैनार में मतलब ऐसे ऐसे कुक बैठे हैं, मैं मेरी खुद की तारीफ नहीं करता हूँ लेकिन मेरे से भी बड़े बड़े कुक बैठे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, सबसे मेन चीज यही है, लेकिन एक बार वो चैलेंज के साथ में डिग्री वाले को फेल करते हैं, इतना मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि वो लोग खाली है ना डिग्री लेते हैं, उनको आता कुछ नहीं है, लेकिन ये इनके पास डिग्री नहीं है लेकिन ये उनसे भी खाना बनाने में बहुत माहिर है। तो क्या क्या उस क्या प्रोसेस क्या थॉट रहती है कि आप जो चैलेंज कर रहे हो उस चैलेंज के पीछे क्या चैलेंज है? चैलेंज के पीछे यही है कि जो हमारे जो खाना सिखाने वाले होते हैं ना वो हमारे को मार मार के खाना सिखाते हैं, ठीक है, मेन चीज यही है, अगर हमको कुछ भी नहीं आ रहा तो जो हमारे जो शेफ होते हैं ना शेफ कभी इतना इजी वे में किसको खाना नहीं सिखाता है, चार छः महीना एक साल तो हमको एक बार उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, वो हमारा हाव भाव स्वभाव देखता है, उसके बाद में वो हमारे को फिर लास्ट में फ्राई पैन हाथ में पकड़वाता है, उससे पहले हमारे को पहले कटिंग पे ही लगाता है, और ये जो डिग्री लेके आते हैं ना इनके पास मैंने ये किया, ये लोग यूट्यूब पे इतने देख के ना वो वैसा करके खाना बनाते हैं, तो वो लोग मेन डिग्री की वजह से चल रहे हैं, बाकी खाने की बात तो अगर ओरिजिनल बात तो यही है कि जो आदमी सीख के आएगा, चाहे आप एक एग्जांपल देख लो, स्टीयरिंग ड्राइवर स्टीयरिंग ही होता है और जो कंडक्टर करके ड्राइवर बनता है वो से ड्राइवर होता है, तो मेन कुकिंग की खासियत है देखो चाहे ड्राइविंग की देखो वो सेम ही है दोनों में, मतलब आपका कहना ये कि जो नए लोग होते हैं वो यूट्यूब पे देख के नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप विरासत को आगे बढ़ाते हो इसलिए आपके हाथों में जान, हमको यूट्यूब देखने की जरूरत ही नहीं है ना, हम लोग जो एक बार कोई भी हमारा शेफ खाना बना रहा खाली एक बार हम लोग नजर मार देंगे उसके ऊपर तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये बंदा खाना कैसा बना रहा और उससे भी हमारे को अच्छा टेस्ट देना है। एक मेरे प्रश्न मैंने मन में एक प्रश्न आया अभी कि जैसे मैं हूँ, मैं आपके साथ में नया आया तो मैं कितने साल में एक अच्छा कुक बन जाऊँगा? वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप चाहो तो 6 महीने में भी कुक बन सकते हो, नहीं आप चाहो तो जिंदगी भर कुक बन भी पाते नहीं हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। एवरेजन एवरेजन वो आपके दिमाग के ऊपर जाता है, वो हमारे दिमाग में नहीं जाता, अभी हम आपको अगर सिखाएंगे क्या मालूम आपके दिमाग में नहीं है लेकिन उतने फास्ट नहीं बनोगे, लेकिन मोस्टली एक साल तो मिनिमम आपको लगता ही है खाना बनाने सही कुक बनने के लिए। सब कहने का मतलब ये कि उस चीज में आपको इंटरेस्ट होना जरूरी है सबसे पहले, तो अब इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप फिर हम लोग सिखाएंगे तो उसमें कोई फायदा ही नहीं है, पहले कितना भी सिखाओ आपके अगर दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो फिर आप सीख भी नहीं पाओगे। बचपन से दिमाग वही सेट होता है कि मुझे कुक ही बनना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये तो सब थिंकिंग है अलग अलग, लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ पे चलो हम लोग हमारे स्टार्टिंग से ये लोग सब खाने में ही है तो हम लोग भी जाके फिर खाने में घुस गए, तो चलो हम भी खाना ही बना रहे 24-25 साल से, मेरे पिताजी भी बॉम्बे थे मैं भी खाना बनाता हूँ, मेरा एक बड़ा भाई इलेक्ट्रिशियन का काम भी करता है फर्नीचर का भी करता है, दो भाई और कुकिंग के काम करते हैं, एक भाई मेरा सेफ है अभी केरला में होटल में, छोटा वाला भाई है वो भी खाना ही बनाते हैं। दोस्तों हम सारे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है, हमारे इस वीडियो पर प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, प्लीज़ हमारी इस मेहनत को आप प्रोत्साहित करें और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।